वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। इस वक्त मैं हूँ पुणे में और आज मैं कवर करने जा रहा हूँ पुणे की सबसे बेहतरीन एक्वेरियम फिश स्टोर। दिस इज़ ब्लेसिंग्स एक्वेरियम लोकेटेड एट विमान नगर। ये इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट एक्वेरियम गैलरी एंड पेट स्टोर भी है। सो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में बिकॉज इनके पास काफ़ी यूनिक इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव सेटअप्स है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो देखकर मज़ा आएगा। So now I am with the founder and owner of Blessings Aquarium. Here is Mrs. Aditi. Hi ma'am, how are you doing? Hi, I am good. How are you guys? बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है। I am so happy that finally SJ Inception and Blessings Aquarium could work together. So yes. I am very happy. So viewers को बताना चाहूँगा, this is the first time that I am getting to cover Blessings Aquarium. That's and right. Must say ma'am, your store is one of its kind in Pune. Thank you. बहुत अमेजिंग सेटअप से अंदर जो मैं बहुत उत्सुक हूँ हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए। एंड मस्ट से वेरी क्लीन स्टोर, वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अप टू डेट भी है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऐसे स्टोर्स अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाते तो कवर करने में मुझे भी मजा आता है और व्यूअर्स को भी देखने में बड़ा मजा आता है। सो एज आई एम कवरिंग द स्टोर फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर स्टोर इन शॉर्ट टू ऑल आवर व्यूअर्स। So hi guys, I am Dr. Aditi Kashikar. I am a PhD in fisheries and fisheries has always been my passion. और जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि वी आर अ स्मॉल आउटलेट इन कल्याणी नगर, बट ये कॉन्सेप्ट हमने जो शुरू किया है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एक्वेरियम गैलरी एंड पेट वर्ल्ड। सो यहाँ पर वी आर जस्ट नॉट अ स्टोर, बट जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो फिश कीपिंग या डॉग कीपिंग करना चाह रहे हैं, बर्ड कीपिंग करना चाह रहे हैं, बट दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़ और स्पेस इशूज़। सो यू गाइज कैन कम हियर, यू कैन हैव अ लुक एट आवर गैलरी। हमारे पेट्स के साथ आप खेल सकते हैं, हमारे बर्ड्स को आप हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग जो यूएस गए होंगे उनको पता होगा। सो दिस इज़ अ गैलरी कम स्टोर कॉन्सेप्ट। सो मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि क्या क्या हमने यहाँ पे यूनिक किया है। तो एंट्री में सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारा शार्क है। तो शार्क टूथ, ये हमने आई थिंक लास्ट ईयर इसको ये किया था, और उसके बाद से पीपल आर रियली गोइंग क्रेजी कि ऐसा कुछ देखने मिलता नहीं है। सो चलिए, सीरियसली इतने शॉप्स में घूम चुका हूँ, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि किसी एक्वेरियम गैलरी में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो ये मतलब अंदर जाने से पहले बहुत अच्छा फील आता है कि इतना बड़ा शार्क एंड टीथ एंड ऑल देख के तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक एक्वेरियम में हम लोग जा रहे हैं। जी, और हमारे शार्क ने बहुत सारे लोगों को शार्क बाइट भी दिया है। तो थोड़ा सा आपको आना है तो थोड़ा सा झुक कर आना है। ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको तो स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए गाइस, चलिए प्लीज एंटर द शार्क माउथ। वो एंड एंट्रेंस पे यू विल बी ग्रीटेड बाय दिस अमेजिंग फैंटास्टिक टैंक, जिसकी आप बैकग्राउंड देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। ओवर टू यू मैम। जी, सो दिस इज हमारा एल टैंक का कॉन्सेप्ट, एंड ये इसीलिए दिया है बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास स्टेयरकेस के नीचे जगह होती है एंड दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए। सो ऑल ओवर हमारा जो स्टोर है, दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्टोर। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे एल का हमने कॉन्सेप्ट दिया है, सिमिलरली आजकल लोगों को बार का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। सो अगर अपने एक्वेरियम और बार को कॉन्सेप्टलाइज कर दिया तो देखिए ऊपर हमने यहाँ पे देखिए वी हैव गिवन ग्लास होल्डर्स एंड एक बार का कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स वो सारा खाली है, बॉटल्स कोई भरे नहीं है। एंड एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दे दूँ तो दिस साइड इज ऑल मोस्ट ऑफ आवर डिस्प्लेस एंड एक सेक्शन है हमारा जो सेलिंग का सेक्शन है। यहाँ पर आपका है सेलिंग सेक्शन। दिस इज ऑल सेलिंग सेक्शन, यस। सो एक एक करके फिश टैंक्स हम कवर करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या वैरायटीज हमारे पास है। श्योर। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द सिक्लिट्स। यस, काफी आई प्लीजिंग सिक्लिट्स है। या एंड वेरी, लुक एट दैट, वेरी रिएक्टिव, वेरी हेल्दी। कलर्स आप देख रहे हैं एक्चुअल कलर से, क्योंकि इनका फीडिंग अच्छे से किया गया है। फिश का जो वाटर पैरामीटर्स है वो अच्छे से रखे गए हैं। ज़्यादा मबूना सिक्लिट्स के बारे में आई थिंक लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि सिक्लिट्स का टैंक शुड ऑलवेज बी ओवर क्राउडिंग। यू कैन अंडर क्राउड और ओवर क्राउड देम, बट वी प्रेफर कीपिंग देम ओवर क्राउडिंग बिकॉज हम पूरा क्लीनिंग का ध्यान भी रखते हैं। इस टैंक में अगर आप देखेंगे नीचे, सो वी हैव गॉट सम सेवरम्स, और हमारे पास ना यहाँ पर रीड फिश भी है विच लुक्स लाइक एन ईल। तो अगर बाहर निकली तो मोस्टली हम उसके दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, लेट्स सी।
बट यहाँ पर मैं आपको सेवरम्स भी इनके दिखाना चाहूँगा, लुक एट दैट, बिकॉज नेचुरल सेटअप है तो इनके देखिए स्पॉट्स आप कितने अच्छे से देख सकते हो, सो दे आर क्लियरली विजिबल. सो दिस हैपन्स व्हेन यू गिव देम प्रॉपर स्पेस, नेचुरल सेटअप. तो ईल माशे तो नहीं आ रहे तो बाद में हम देख लेते हैं. सो मोर ओवर फिश में हमारे कलर्स ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज वी बिलीव कि नेचुरल सेटअप, जिस फिश का जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर आप उसको वो चीज़ दोगे तो उसका कलर और उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी. तो so, आपने देखा होगा ज़्यादा प्लास्टिक चीज़ें हमने यूज़ नहीं की है या हम सेल आउट भी नहीं करते हैं. एंड आप देखेंगे इनका पूरा स्टोर स्पेशियस तो है ही, बट इट्स ऑल्सो वेरी क्लीन. और सारे प्रोडक्ट्स भी जितने भी मैंने देखा हूँ ऊपर के सेक्शन में काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से रखे गए, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं. सो ये हमारे दो टैंक्स हमने देख लिया ना, दिस इज़ आवर 6 फुटर. वाओ. तो जिसमें यूजुअली ये कॉन्सेप्ट है कि हमको गोल्डफिश रखना है बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू कीप सम प्लांटेशन या समथिंग. सो अमेजॉन्स जो है बेसिकली वराइटी, सो दिस गोज वेरी गुड विथ गोल्डफिश बिकॉज गोल्डफिश उनको खा नहीं पाते हैं. थोड़ा सा आपको चीज़ों का ध्यान देना है. These are Danasoni barbs. Okay. And ज़्यादातर concept हमने सब जगह 3D का दिया है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना इंडिया को भी एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए इस हॉबी में. एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूवर्स ये देख के ज़्यादा मेरे ख्याल से अट्रैक्टेड हुए रहेंगे कि 3D बैकग्राउंड है, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं 3D बैकग्राउंड कहाँ पर मिलते हैं. तो आई थिंक अब उनको मालूम पड़ गया होगा कि कहाँ पर अच्छे से अच्छे 3D backgrounds एकदम innovative तरीके से कहाँ पर मिल सकते हैं. Alright, so this is the next tank. So these are silver arowanas, alligator gars and shovel nose catfish. Oh wow. And we believe कि हम चीज़ें दिखाते हैं, लोग बताते हैं कि इनके साथ ये रहता है, but हम कोशिश करते हैं कि हम दिखाएं कि इनके साथ ये चीज़ें रहती हैं. Right. Because with an arowana it's always related to feng shui and all. बट देन अगेन बायस का क्वेश्चन आता है कि यार सिर्फ इतने बड़े टैंक में सिर्फ अरवाना रखेंगे तो बोर लगेगा. सो दैट इज़ द रीज़न हम कोशिश करते हैं कि कम्प्लीटली चीज़ों को दिखाएं. सही बात है. सो ये हमारे जो एक थीम टैंक्स बोलो, नेचुरल एक टैंक बोलो, वो पूरी गैलरी है. सो देन दीज फिश आर जस्ट फॉर डिस्प्ले, इसलिए आप कलर्स देख रहे हैं. दीज आर ऑब्वियसली द कार्डिनल टेट्रास. सो यहाँ पर जो भी फिशेस है दे आर फॉर सेल. नो, दीज आर जस्ट फॉर द डिस्प्ले. फॉर डिस्प्ले. यस. अगर किसी को चाहिए तो वी हैव इन आवर सेलिंग सेक्शन, तो हम वहाँ से दे सकते हैं. बिकॉज सी कॉन्सेप्ट यही है कि अब नाउ दीज आर बोसमनी रेनबोज. अब इसके कलर आप देखिए. अगर यही चीज मैं इसमें से सेलिंग करना शुरू कर दूँ ना, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस दे विल ऑलवेज बी नॉट दैट कलरफुल. या ये जो क्रिस्प ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये आपको दिखेगा नहीं. एग्जैक्टली. And then everybody has to refer to Google images ki as to how Bosmani rainbows look. And लोगों को ये भी दिखाना ज़रूरी होता है कि ये जो fish हैं जो हम refer करते हैं, if they are semi-planted or if they are planted, which type of plantation they will go with, alligators क्या काम करते हैं. तो ये आप सिर्फ बता के नहीं, अगर आप दिखाओगे, visualize कराओगे, तो a person understands much better as compared to just discussion. Exactly. Right. तो सिकलेट्स में आपको पता है कि हमने मलावी देखे. सो दीज आर टैंगेनिकन, विक्टोरियन भी हमारे पास है. ओके. सो दीज आर डिबोसी वैरायटीज. एंड ये भी आपने बड़ा ही डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट दिया है. या बिकॉज दिस वाज पहले हमारा एक प्लांटेड टैंक भी था ये. सो ये भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से है कि लोगों के पास जगह नहीं है. ओके. छोटे घर है. तो अगर लेट्स से आपके पास, दिस इज जस्ट 18 inches, तो लेट्स से आपके पास 18 inches का एक कॉलम है, तो उसको, जैसे ये हमारा कॉलम है, तो उसको कवर करने के लिए आप एक 18 inches लेंथ का लेकिन 4 feet हाइट का टैंक बना सकते हो. सो यू विल नॉट हैव टू ऑलवेज यू नो कॉम्प्रोमाइज विद द हॉबी और कॉम्प्रोमाइज विद द साइज. तो एक छोटा सा ऐसा एक कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं विद एक्सटर्नल फिल्टर इसमें लगाया हुआ है. एंड व्हाट इज दिस शोपीस काइंड ऑफ थिंग, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं. ये एक्चुअली हमारा खुद का इन्वेंशन है. सो दिस इज अ पाइप जिसको हमने उस तरह से डिजाइन किया है. एंड ये जो गैप्स है ना, इसके अंदर हम लोग अनुबियस या फर्न्स के पॉट्स रखते हैं, सो दैट वो लुक्स लाइक अ कंप्लीट ब्यूटिफुल एक क्या बोलूँ मैं, एक्वाफोनिक्स का जो लुक आता है ना, वैसा पूरा लुक आता है उसमें. बट ऑब्वियसली यहाँ पे सिकलेट्स है तो प्लांट्स काम नहीं करेंगे, बट ये डेफिनेटली हम जरूर शेयर करेंगे आपके साथ. बट ये हाइडिंग प्लेसेस का भी काम कर सकता है. जी, हाइडिंग. वेरी क्रिएटिव मस्त से. देन यहाँ पर
ओके सो टाइगर स्किन रॉक्स हैं, टाइगर स्किन रॉक्स को उस तरह से हमने सेटअप किया हुआ है एंड अगेन वी हैव रेनबो फिश. अभी प्रॉब्लम ना टेट्राज में नहीं आता है कलर का, हमेशा रेनबोज में ही आता है. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्कारलेट रेनबोज, मेल्स स्टिल हैव गॉट सम कलर. सो एक कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए कि इफ इट्स अ फोर फूटर, वी हैव अ क्लीनर क्रू हियर, वी हैव अ प्लेको देयर. वाओ, यस, लुक एट दिस प्लेको. एंड देखिए यहाँ पे भी जैसे एल्गेटर है जी. तो पीपल ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन एल्गेटर एंड सकर कैट, राइट, है ना. तो इस टैंक में, इस वाले सेटअप में आप सकर कैट डालेंगे तो तबाही मचा देगा. यस, एंड दिस इज अ ऐसा कॉन्सेप्ट कि दिस इज अ क्या बोलूँ मैं, अ काइंड ऑफ अ चाइनीज आउटस्कर्ट्स, जैसे माउंटेन्स और उनका थीम होता है. एंड मेडिटेटिंग बुद्धा हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट. 2013 से यहाँ पे एक ये हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था, तो वहाँ से हमने मेडिटेटिंग बुद्धा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. सो एक मेडिटेटिंग बुद्धा का हम थीम देते हैं टू क्रिएट दैट पॉजिटिविटी, राइट. सो दैट इज ऑल इट अबाउट. ग्रेट, सो लेट्स प्रोसीड अहेड. यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मस्ती किया हुआ है, बिकॉज यू कैन सी क्लैश ऑफ टाइटंस का एक सेटअप है, कॉन्सेप्ट है. सर कॉन्सेप्चुअल टैंक्स भी बहुत बच्चों को अच्छे लगते हैं. जी जी, कभी कभी बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, आईटी वालों को भी अच्छे लगते हैं. तो मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर आने के बाद में इस टैंक को ही बहुत देर तक देखते रहते होंगे. एक्चुअली वी हैड अ हैरी पॉटर का थीम टैंक. आई विल चेक इफ वी हैव अ पिक्चर और वीडियो ऑफ दैट. तो वो वाज अ इंस्टेंट हिट, क्योंकि हैरी पॉटर बहुत वो चल रहा था. तो यू मेरा हॉबिस्ट को या शॉपकीपर्स को सजेशन ही रहेगा, जो नए टॉपिक्स है उसके ऊपर आप चीज़ें चेंज करते रहोगे ना, दैट इज हाउ आप अट्रैक्शन गेन करते रहोगे लोगों का टूवर्ड्स द हॉबी. एंड दिस इज ऑल्सो ऑल लाइव प्लांटेशन. काफ़ी लोगों का क्वेरी होता है कि भाई प्लांटेशन में थर्मोस्टेट नहीं जाता या हीटर नहीं जाता. तो येस, प्लांटेशन में हीटर जाता है, आप लगा सकते हैं, उससे प्लांट्स को कोई असर नहीं होता, बट फिश डेफिनेटली आपके हेल्दी रहेंगे. सो बहुत कम लोग हैं जिनको इतना बड़ा, ऑलमोस्ट दिस इज 2 inches का हॉकी टेट्रा, तो इतना बड़ा हॉकी टेट्रा देखना भी थोड़ा, यस राइट, इट्स रेयर टू सी इतने बड़े हॉकी टेट्रा. बिल्कुल, एंड वी कीप ऑन चेंजिंग. सो हमें कभी इसको हम वाटरफॉल टैंक करते हैं, सैंड वाटरफॉल टैंक करते हैं. सो वी कीप ऑन चेंजिंग द कॉन्सेप्ट्स. देन यहाँ पर तो काफ़ी विशाल टैंक है एंड जो आपने 3D बैकग्राउंड बनाया, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा नेचुरली रॉक्स के ऊपर अलगे वगैरह जम के पूरा, मतलब जितना आपने नेचुरल फील देने की कोशिश की है. सो दिस इज एन 8 footer. सो 8x5x2 feet का ये टैंक का डायमेंशन है. एंड हमको ह्यूज टैंक इसीलिए करना था क्योंकि लोग जब कुछ लोगों को बड़े टैंक्स रखने की इच्छा होती है, बट इतना बड़ा टैंक आप सिर्फ पेजेस पे या डिस्कशन में ये नहीं कर सकते. तो वी बिलीव, जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन में, तो इसका 19mm का ग्लास है. ये देखिए. यस. और दूसरा चीज़, लोगों का एक क्वेरी और होता है कि यार इतना बड़ा अगर टैंक है तो सिलिकॉन बहुत पेस्टिंग का इशू होगा. सो दैट इज़ द रीज़न हमने ये बना के रखा है. ऑल्सो इतना ह्यूज टैंक यूजुअली शॉपकीपर्स नहीं रखते, नो. एंड बिकॉज हमारी गैलरी भी है, तो हमने ये कोशिश की है कि 6 inches से लेकर, तो दिस इज़ आर बिगेस्ट टैंक 8 feet का. सो पूरी रेंज हम दें ताकि लोग समझ सकें कि हम क्या टैंक रख सकते हैं, उसमें किस चीज़ के हम डेकोरेशन कर सकते हैं. सो दिस इज़ आर 8 footer. इसमें भी हमने ओपन सम्प रखा है नीचे, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सम्प, व्हाई अ सम्प इज़ रिक्वायर्ड, राइट. क्योंकि आप भी इतने लोगों के साथ मिलते हैं तो लोगों का पहला ये रहता है यार इतना बड़ा टैंक मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस. सो दिस आर सम फिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लेकर आए हैं टू लेट पीपल अंडरस्टैंड कि यही चीज़ अगर छोटे में भी बनेगी तो अभी आपका मेंटेनेंस जो है वो कम लेवल पे कैसे हो सकता है. बट आई एम डैम इम्प्रेस्ड विद द 3D बैकग्राउंड, बिकॉज ऐसा पूरा लग रहा है कि रॉक्स के जैसा ही पूरा आपने मतलब हूबहू बनाने की कोशिश की है. जी, नेचर का रेप्लिका हम लोग बोल सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. दिस इज आवर छोटू सा रेडियो स्लाइडर का टैंक. वाओ, काफी लोग के फेवरेट रेडियो स्लाइडर्स भी. सो प्रॉपर सेटअप है, बास्किंग एरिया, UVB लाइट, सो ऐसे होने चाहिए रेडियो स्लाइडर के सेटअप जो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं. सो सी समर चिलिंग आउट हियर. So we have a inbuilt sump here. Oh wow. So that cleaning अच्छा रहे sump की वजह से, बाकी चीज़ें रहे. And because of the, this is exactly made as a turtle tank. Okay. और we have made this with ultra clear glass. तो आप देख रहे हैं कि इतना पुराना होने के बावजूद भी glass का जो look and feel है, yes, that is जैसे कि नया हो. Right. ये देखिए कितने
आराम से मजे से ये लोग ये सब देखकर छोटे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं बिकॉज़ टर्टल्स देखने नहीं मिलते तो दे लाइक वाओ एग्जैक्टली काफी बड़े लोग भी खुश होते हैं जी जी जैसे मैं हो रहा हूँ कि मुझे आप आगे जा रहे हैं मुझे मन नहीं हो रहा है इनके इनसे दूर जाने के लिए ऐसा लग रहा है इनको देखते रहो बट हमारे पास समय की कमी है एंड चीजें बहुत है दिखाने के लिए तो जैसे कि हमने अपना वो 8 फुटर आपके साथ शेयर किया सो दिस इज अगेन अनदर 6 फुट तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसके पीछे हमारा केबिन है जी सो लेट्स से कोई ऐसे ऑफिस में करना चाह रहा है तो बोथ साइड्स आप टैंक करके और एक हिडन केबिन या एक हिडन स्पेस हिडन रूम आप कर सकते हैं ओके तो उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है अगेन दिस हैज अ ओपन सम सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि सम का कॉन्सेप्ट क्या है फिल्टर मीडिया क्यों होता है इसमें हमारे सारे ह्यूज फिश हैं देयर इज जायंट गुरामी देयर इज ऑस्कर्स का कॉम्बिनेशन एंड देयर इज अ बुटिको फेरी दिस इज अ बुटिको फेरी सिक्लेट लुक एट दिस फिश प्रॉपर स्ट्राइप्स एंड कितने उठ के इसके पैटर्न दिख रहे हैं ये देखिए गुरामी की साइज भी कितनी है मेरा हाथ एंड इसकी साइज ऑलमोस्ट इट शुड बी ऑलमोस्ट लेस देन थोड़ा सा 20 इंचेस के आसपास ये फिश होना चाहिए एंड मस्त से आपने रखा भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिकॉज बींग अ मॉन्स्टर कीपर आई नो कितनी मेहनत रखती है इनको रखने में बट आपने देख के ही पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छे से इनको रखा है एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम हमारे सारे जो टीम मेंबर्स है मैं बोलना चाहूँगी वी हैव सूरज वी हैव गौतम वी हैव संदीप वी हैव देव वी हैव अमलान हियर सो इतना अच्छे से सब लोग मेहनत करते हैं एंड उसका नतीजा आप देख रहे हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अच्छा एक और चीज़ हम जो यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना ईच टैंक हैज इट्स सेपरेट नेट ये हम जरूर फॉलो करते हैं बिकॉज क्या है कि इन्फेक्शन आपका कभी भी फैल सकता है सो वी डेफिनेटली मेक अ पॉइंट कि एक टैंक के लिए एक नेट ही हो बिफोर मूविंग टू दैट सेक्शन आई जस्ट शो यू दिस सेक्शन सो दिस इज अ कस्टमाइज टैंक विद अ इनबिल्ट सम एंड बहुत जल्दी इसमें वी आर मेकिंग वी आर गोइंग टू मेक मरीन सेटअप बिकॉज जैसे आपने देखा कि मरीन सेटअप नहीं है यहाँ पर तो मरीन सेटअप बहुत जल्दी हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीडियो में विल बी एबल टू शो आवर सब्सक्राइबर्स मरीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज मरीन की कमी है आई थिंक आप फिर पूरे कैटेगरीज में खड़े उतरोगे जी बिल्कुल यहाँ पे वी हैव गॉट सम स्टिंगरेज वी हैव गॉट मोटोरो वी हैव गॉट हाइब्रिड स्टिंगरेज का भी वही है कि लोग ने सुना होता है बट दिखाते नहीं है सो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम दिखाए लुक एंड फील आए जी ऑस्कर्स है यहाँ पर टाइगर एंड अल्बाइनो ऑस्कर्स है या अल्बाइनो है टाइगर है एंड वी आल्सो हैव कॉपर ओके ग्रेट पैरट्स वी कंबाइंड ऑल पैरट्स टुगेदर जस्ट टू शो द डिफरेंस कि जैसे ये जो है ये ग्रेड ए पैरट्स हैं या कुछ हार्ड पैरट्स हैं दिस इज अ टाइगर पैरट ओके सेंटा क्लॉज पैरट्स भी हैं सो जस्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके ऊपर भाई ब्लैक स्ट्रेस की वजह से ये आ गए हैं तो जस्ट टू लेट देम अंडरस्टैंड एग्जैक्टली राइट ऊपर ऊपर हमारे छोटे से गोल्डफिश हैं वी आइदर गिव देम एज फीडिंग फिश या तो फिर छोटे जिनको चाहिए होते हैं एंड सिल्वर शार्क्स हैं अगेन फॉर अ गुड इनफ गुड साइज फॉर अ 4 फुटर सो एंड देन वी कम टू आवर सेलिंग सेक्शन सो सेलिंग सेक्शन में भी काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस है मैं दिखा दूँ आपको कुछ एक पूरा ही देखने चलिए जी सो दीज आर सिल्वर अरवानास ओके सो जिसको प्राइजेस जाननी है दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन योर नंबर यस दे कैन एंड डिलीवरी के बारे में भी आप बता सकते हैं बिल्कुल डिटेल्स हम दे देंगे राइट तो यहाँ पे सिल्वर अरवानास है बिल्कुल ओके वी हैव गॉट सम कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड फिश बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों का होता है अगेन विच गोल्ड फिश वराइटीज कैन गो टूगेदर यहाँ पे वेरी एक्सक्लूसिव एलिफेंट नोज सो एलिफेंट नोज देखना इज नॉट अ कॉमन साइट दीज डेज बहुत कम शॉप्स में देखने को मिलती है नीचे वी हैव गॉट एशियाटिक लोच ओ वाओ चाइनीज शार्क एशियाटिक लोच हाइफिन शार्क चाइनीज शार्क्स भी दे आर कॉल्ड जी तो इनके काफी सारे नाम है बिकॉज़ इनके पैटर्न ही इतने ज्यादा है तो उनके नाम भी उतने ही है जी यहां पे वी हैव गॉट बलून इलेक्ट्रिक रैंप्स अभी आपने जो हमारे सेटअप में देखा सो दैट इज जस्ट फॉर द सेटअप एंड दिस इज फॉर द सेल ओके हियर यू हैव फ्लावर हॉर्न्स एज वेल यस ग्रेट एसआरडीज है एसआरडी का ग्रेट यहाँ पे वी हैव वराइटीज ऑफ कैटफिश क्योंकि लोगों को कुछ लोगों को कैटफिश पसंद आती है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पाइडर कैटफिश इंटरेस्टिंग सो थोड़े और ऑप्शंस लोगों के पास मिल जाते हैं तो मज़ा आता है उनको आई जस्ट ट्राई टू जूम ऑन वन कैटफिश ताकि आपको पता चले ये देखिए काफ़ी चुलबुल है एंड बहुत जी
नीचे हमारे पास नियॉन टेट्रास है। नियॉन टेट्रास ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने देखे होंगे, उनको मालूम है, नथिंग सो स्पेशल अबाउट देम। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, अगेन टू लेट यू नो, लेट द बायर नो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन एक साथ जा सकता है जी। क्योंकि फिर वही होता है, नियॉन टेट्रास है, विडोज है, यू नो सम कैटफिश है, डॉलर है, यूजुअली वी डू नॉट कीप डॉलर्स इन ऑल, बट जस्ट फॉर अ लुक एंड फील की कॉम्बिनेशन की कैसे कलर्स एक साथ जाएंगे, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। राइट राइट, उस हिसाब से नीचे में रेड रेड कैप एंजल्स, वी हैव ब्लैक गोस्ट, एंड वी हैव थाईलैंड ग्लास कैटफिश। ओह यस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिश, थाईलैंड ग्लास कैटफिश। आप इसके पूरे आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हाइट बैकग्राउंड है, लुक एट दैट। यहाँ पर वी हैव गॉट डेमासोनी, ओके दिस इज डेमासोनी सिकलेट, राइट, एंड वी हैव गॉट जैक डेम्सीज एज वेल। ओह ये देखिए कैसी चमक रही है जैक डेम्सी, एंड काफ़ी यू नो शॉपकीपर्स ऐसा बोलते हैं कि छोटा साइज है तो उसमें कलर नहीं आता, बट दैट इज नॉट द फैक्ट, इफ द फिश इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अ गुड फार्म, आपके सामने दिस इज नॉट मोर देन अ 2 inch, यस यस, आपके सामने है कि उसके कलर्स क्या आए हैं। राइट, ऊपर हमारे पास आर्चर है, ओ आर्चर फिश है यहाँ पे, एंड मस्त है, पैटर्न भी आप देखिए कितने अच्छे हैं। वी हैव गॉट अ पर्ल अरवाना, पर्ल अरवाना, नीचे हमारे पास एक्सक्लूसिव में हाई बैक है, आरटीजी है, ओके, सो दीज आर ऑल दो बोथ एक्सक्लूसिव में, ग्रेट। एंड देन मोनो एंजल्स, क्योंकि मैं अभी वो चीज़ दिखा रही हूँ जो जैसे गोल्ड फिश एंड ऑल, इट्स प्रीटी कॉमन, राइट राइट, सो वो स्टॉक तो हमारे पास होता ही है, यस yes. यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशन, वी हैव गॉट स्टर्बाइज, वी हैव गॉट पैंडा कॉरिडोरस, ओके ऑलराइट। यहाँ पे वी हैव 8-band लेप्रिनस एंड टाइगर या स्पॉटेड लेप्रिनस भी बोलते हैं। लुक एट देयर स्ट्राइप्स, दे आर सो प्रोमिनेंट, सो एवरी टाइम आई वॉच दिस फिश आई गेट लॉस्ट इन देयर ब्यूटी। एंड व्हिच वन इज दिस, नीचे वाली, दिस वन, दैट्स अ स्पॉटेड, स्पॉटेड लेप्रिनस या मार्बल लेप्रिनस भी बोलते हैं, सो देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ नाम उनके लिए। ओके, ये फिश भी मैं कहना चाहूंगा बहुत कम दिखाई देती है जी, ये सारा एक्सक्लूसिव रेंज में आता है। ओके, फिर वी हैव गॉट सम गप्पीज का कॉम्बिनेशन हियर, वाओ, ओके, गप्पीज का समहाउ अभी क्रेज बहुत आ गया है, वी हैव गॉट क्लाउन लोच, यस, सो बेस्ट नेल रिमूवर्स आर हियर। उसके बाद वी हैव गॉट मोनोसीबे में छोटा साइज, एंड वी हैव गॉट पफर हियर, अगर आप उधर उस कोने में देखेंगे तो वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल छोटू सा पफर। ओह यस, वाओ सो क्यूट। ऊपर में वी हैव ऑस्कर्स में मिक्स वैरायटी में कॉपर, वी हैव अल्बिनो, यहाँ पे दिस इज फ्रंटोसा सिक्लिट, सो फ्रंटोसा में भी हमारे पास दो साइजेस हैं, दिस इज अ स्मॉलर साइज। यहाँ पे वी हैव गॉट पीकॉक बास, एंड वी ऑल्सो हैव गॉट डैटेनॉइड जो कि एक इसके अंदर जाकर बैठा हुआ है। ओह यस, राइट, सो डैटेनॉइड्स हैं, देन अगेन गोल्डफिश हैं, कलर्ड विडोज हैं। सो आई थिंक आपके सेक्शन में मॉन्स्टर फिश से लेके कॉमन फिश से लेके एग्जॉटिक फिश से लेके यूनिक फिश से लेके मतलब जितने भी हम जितना यहाँ रख सकते हैं, जितना डिस्प्ले दे सकते हैं, उतना हम पूरा देख रहे हैं, दे रहे हैं। और दिस बीइंग आवर डिस्कस का टैंक, वाओ, सो यू हैव ट्राइड टू क्रिएट अ जंगल इन दिस टैंक, काफी अच्छे से, जी जी, एंड ये देखिए डिस्कस भी कितने प्लीजिंग वे में स्विम कर रहे हैं। वी हैव गॉट अगेन सिक्लिट्स, ओके, सिक्लिट्स को आप जितना नेचुरल सेटअप में रखोगे दे आर गोइंग टू लुक उतना ही ब्यूटीफुल। यस, I would like to show you their colors. Look at the dorsal fin, look at the body pattern. ये देखिए, so this is possible only जब आप एक natural setup provide करते हो, काफ़ी अच्छे से इनकी देखभाल करती हो, उसके बाद water parameters and अगर water changes अगर सही हो तो आपके घर में भी आप ऐसे cichlids के colors and patterns हासिल कर सकते हो, because यहाँ पर आप देखिए किस खूबसूरती से इन्होंने इन्हें रखा गया है। Wow. तो ऑल इन ऑल ये हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया जी, है जी। कोईज हमने देख लिया, अच्छा कोई टैंक में हमारे पास एक बड़ा आई एम नॉट श्योर हमने कवर किया क्या, बट वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ह्यूज 2 foot का
फेदर फिश. ओके. बट वो मोस्टली बेचारा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर हमेशा छुपा रहता है. ओके. बढ़िया. कोई टैंक जो आप देखिए, मतलब कितने चुलबुले कोईज है, इनके कलर्स कितने अट्रैक्टिव है. ओ यस. हाँ जी, देखिए ड्रिफ्टवुड का प्लेसमेंट और रॉक्स किस तरह से लग रहा है. आई कैन से कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फॉरेन की टैंक देख रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट जैसा बना है. कमिंग फ्रॉम यू हैविंग बीइंग विजिटेड टू सो मेनी शॉप्स, अगर आप ये बोल रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये सारा सारा क्रेडिट मेरी टीम का है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं मेरे बच्चे. बिकॉज टैंक जिस तरह से एल शेप है, शेप तो हो गया, बट जिस तरह से बैकग्राउंड बनाया हुआ है, ड्रिफ्टवुड आप देखिए किस तरह से प्लेस किया हुआ है, तो काफ़ी सोच समझ कर जितना नेचर को रेप्लिकेट कर सके उतना कोशिश करी है. सो वाकई में ऐसा लगता है कि मतलब बैठ के घंटों घंटों तक इस टैंक को देखते रहो. एग्जैक्टली. आप रिलैक्स करने के लिए यहाँ आ सकते हैं. एक हमारा अभी स्टिल इन द कंप्लीशन प्रोजेक्ट है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ. सो इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ टेरेरियम, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो इस टाइप का ये प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत जल्दी. ग्रेट. सो वी आर वर्किंग ऑन इट स्टिल. आई वुड हैव रियली लव्ड कि ये हो जाता फिर हमारा शूट, बट नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम हम जरूर इसको जो है वो कवर करेंगे. सो यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग आउट. यस यस. सो नाउ वी आर एंटरिंग द ड्राई सेक्शन एंड ऑल्सो द पेट सेक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स एक्वेरियम. एंड सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही एडोरेबल गोल्डन रिट्रीवर है, एंड हमेशा मैं डॉग्स को देख के थोड़ा सा तो मैं बता दूं आपको. सो गूगल इज अराउंड 6 to 7 months ओल्ड गोल्डन रिट्रीवर. शी इज अ फीमेल, सो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्शन मिलता है, अटेंशन है, और शी इज वेरी प्लेफुल. शी इज एक्चुअली एग्रीइंग टू व्हाट यू सेड. यस. एंड शी इज वेरी प्लेफुल. एंड गूगल को रखने का कॉन्सेप्ट यही है दैट पीपल वॉन्ट टू कीप डॉग्स, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का लेवल का डेडिकेशन रहेगा या हमारे को क्या काम रहेगा. राइट. एंड ये सब तो अभी गूगल हमको थोड़ा थोड़ा शायद बीच में डिस्टर्ब कर सकती है. नो प्रॉब्लम. बट देन वी लव हैविंग गूगल अराउंड. ओके. मैक्सिमम हमारे जो बच्चे आते हैं वो गूगल के वजह से आते हैं. दे वांट टू प्ले विद हर. नाइस. सो या दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. द फर्स्ट फ्लोर इज ऑल अबाउट ड्राई मतलब स्केपिंग या ड्राई एक्वेरियम्स, टाइप्स ऑफ एक्वेरियम्स, ऑल द ड्राई एक्सेसरीज. Alright, तो यहाँ पर बर्ड्स भी आपके पास में? Yes, birds में भी इंटरेस्टिंग हमारे पास. काफी एक्सोटिक है. Yes, yes. So this is an umbrella cockatoo. Hi. So sweet. Not for sale. Okay. Just to you know. So this is an umbrella cockatoo. She's a female. Okay. Her name is Elsa. And थोड़ा थोड़ा एल्सा ये सब बातचीत ये करती है. एंड शी इज़ वेरी गुड टूवर्ड्स यू नो जो भी लोग आते हैं जो हैंडल करना चाहते हैं. शी इज़ वेरी लवेबल. कम एल्सो. कम है, कम है. गूगल गूगल वेट. देन हमारे पास नेक्स्ट इज मिस्टर फेसबुक. सो इज अ मकाओ. कम है. गुड बॉय. Who's a good boy? So Facebook also is not for sale. Okay. लोगों को मकाऊ जैसे देखने मिलते नहीं है, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को मिलते हैं, लेकिन जो ले मैन है, ले लोग हैं, उनको ऐसे देखने मिलते नहीं है. एंड फेसबुक इज ऑल्सो वेरी अडोरेबल, वेरी लवेबल. ही लव्स पीपल. एंड फेसबुक थोड़ा थोड़ा हाय हेलो बोलता है, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि ये बोल सकता है तो वो नहीं बोलता है. यही खासियत है पेट्स. खासियत है पेट्स की. जब हम इनको भाव नहीं देंगे तो मिस्टर फेसबुक का आवाज आपको आता रहेगा. एंड देन वी हैव मैंगो. ही इज अगेन अ मेल अफ्रीकन लवर, अफ्रीकन ग्रे पैरट. ही इज फॉर सेल. बट इनका भी ऐसे ही है, मतलब आई बिलीव कि फुल्ली टेम करके ही हम सेलिंग करते हैं. एंड ऑल्सो केजेस काफ़ी क्लीन रखे हैं आपने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेशियस, काफ़ी स्पेस दे रखी है केज में. देखिए वर्टिकल हाइट कितनी है, एंड ना सिर्फ हाइट, ये देखिए ब्रेथ विथ कितनी ज़्यादा है. तो जब ऐसे रखा जाएगा तब बर्ड्स काफ़ी अच्छे से रह पाएंगे. बर्ड्स को अच्छा भी लगता है. ऑल्सो आज बिकॉज शूट है हमने इनको केज में रखा, अदरवाइज दे हैव देयर ओन स्टैंड, तो जिसमें हम उनको नीचे रखते हैं. ओके. एंड
बहुत सारे लोग ने हमारे पहले एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्लेसिंग्स एक्वेरियम का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, बट आई डोंट नो व्हाई, बट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू वन, सो प्लीज सब्सक्राइब. लेकिन हमने उसके ऊपर डाला था काफी सारा, तो उन लोगों को मालूम है कि किस तरह से हम रखते हैं. एंड ही इज डॉक्टर स्ट्रेंज, इज अ पर्शियन कैट. ओके, ये देखिए किस क्यूरियोसिटी से देख रही है. एंड उसको आज सिर्फ इसलिए बांध के रखा है ताकि वो दिखे, अदरवाइज ही लव्स टू फाइंड हिज ओन प्लेस एंड वो इधर उधर कहीं आपको दिखता रहेगा. बट ऑफ कोर्स हमको दिखाना था सब्सक्राइबर्स को. जी, आप 3D बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, सो दीज आर फ्यू 3D बैकग्राउंड जो हम इन स्टॉक रखते हैं, विच आर टिपिकल साइजेस, जैसे 2x12, 2x18, 2x15. ओके, और अदरवाइज इससे अगर बड़े हैं तो वी डू कस्टमाइज देम. ओके, ऑल राइट. एंड ये हमारी सारी ड्राई की रेंज है, सो जिसमें वी हैव गॉट लाइट्स, वी हैव गॉट वेव मेकर्स, वी हैव गॉट इंटरनल हैंग ऑन फिल्टर्स, वी हैव गॉट एक्सटर्नल हैंग ऑन फिल्टर्स, वी हैव अ रेंज ऑफ अ फिल्टर एंड लाइट ओनली. अगर आपको लेट्स से अल्ट्रा क्लियर में ज़्यादा एक्सपेंसिव टैंक के लिए नहीं जाना है, तो आप रेगुलर टैंक बना के इस टाइप का कुछ सेगमेंट लगा सकते हैं जिससे अलग लुक आता है. देन वी हैव गॉट एक्सटर्नल फिल्टर्स फ्रॉम 2 feet टू 6 feet. These are pond filters, जो बड़े ponds होते हैं उसके लिए pond filters हैं. These are some exclusive again hang-on filters. Lights का range है, lights का हमारे पास Roxin है, we've got Atman, काफ़ी सारा lights का range है, thermostats है हमारे पास, we've got because हम natural plantation ज़्यादा रखते हैं तो we've got scissors, tweezers, ये सारा range है. So all in all ये हमारा पूरा dry section, tanks ये सब है. ये जो section है आप देखोगे वन स्टॉप सेक्शन फॉर ऑल योर ड्राई एक्वेरियम नीड्स, फिल्टर से लेके लाइटिंग से लेके जो भी आपको टैंक में डालना है, शो पीस, बैकग्राउंड, वो सब आपको मिल जाएगा. एंड ऑल दीज टैंक्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड विच हैव देयर ओन ग्लास का क्लैरिटी, ग्लास का ये, जैसे दिस इज एटमैन सेटअप, सो दिस कम्स इन अल्ट्रा क्लियर ग्लास, दैट इज अ शानदार. ये जो वुडन कैबिनेट्स हैं ये हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग ओन डिज़ाइन है, तो इस तरह से भी हम सेटअप करके देते हैं. जी, एंड छोटे टैंक्स आप कहेंगे तो इस टाइप के छोटे टैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ओके, सो जिसमें आप पूरा एक एटमैन का मॉडल है, जो मैं आपको बात कर रही थी कि वी हैव अ लाइट एंड फिल्टर का सेट, राइट, तो बिकॉज दिस इज अ एटमैन टैंक, बट आप इसको रेगुलर टैंक में भी ये लगा सकते हैं. बट क्लैरिटी ऑफकोर्स ग्लास का अगर आप देख रहे हैं जी, तो ये एक अलग लेवल का क्लैरिटी आता है, बिकॉज अल्ट्रा क्लियर, एक्स्ट्रा क्लियर. फिर दीज आर ऑल ये टैंक्स, और यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट कर दिया है जी, कि अगर एटमैन कोई आप टैंक लेते हैं जी, तो उसमें आपको सेटअप कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, लाइट कितना होगा. ओके, तो वी हैव ट्राइड कि हम यहाँ पे जो आप हमसे परचेस कर रहे हैं टैंक उसका एक स्केप आपको बना के दे दे, तो बेटर टू अंडरस्टैंड रेगुलर ग्लास टैंक से. तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड बहुत जल्दी हमारे पास टेरेस भी हैं जिसमें हम एक ओपन एयर एवियरी करने वाले हैं. wow. तो उसके बारे में भी आपके साथ हम जो है जुड़ते रहेंगे. Great, बताते रहेंगे यहाँ पर जी. सो दिस इज थोड़ा सा एक सेटअप फॉर डॉग्स, कैट्स, उनके बूट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वी हैव कोट्स, ऑफ कोर्स लीशेस एंड एवरीथिंग. एक थोड़ा सा सेटअप, थोड़े से ट्रीट्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीट्स हमारे, लेकिन ये बदमाश खा जाते हैं. अच्छा. और ड्रिफ्टवुड्स हैं, सो ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट सारी चीजें ड्राई की यहाँ पे मिल जाएगी. ग्रेट. तो वीडियो के शुरू में हमने ये खूंखार शार्क तो देख ली, बट ब्लेसिंग्स एक्वेरियम का एंट्रेंस भी बड़ा कमाल का है, तो वो हम देखना चाहेंगे जी. प्लीज एंट्रेंस में मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे वी हैव गिवन अ ज़ेन गार्डन का थीम कम्प्लीटली, एंड ये सारा काम जो है हमने खुद किया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा काम लॉकडाउन में शुरू हुआ था एंड आप सबको मालूम है कि लेबर्स नहीं थे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने खुद अपने हाथों से किया है. प्लस आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉन्ड का कॉन्सेप्ट. यस, तो यहाँ पर हमने एक 4 feet डीप, एक 6 feet का टैंक, एक पॉन्ड बनवा के लिया. yes. जो कि हमने एक वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट भी दिया. एंड दीज आर ऑल इम्पोर्टेड जापनीज कोई. इसमें शोवा है, उसमें सैनसुके हैं, और इसका जो हेल्थ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. थोड़ा सा हम फूड डालते हैं, अभी देखिए सब फिश जो है नीचे है. ज्यादा मजा लोगों को कब आता है जब आप फूड डालते हैं. राइट, लुक एट दैट, नाउ यू कैन वॉच द फीडिंग फ्रेंजी ऑफ दीस आई प्लीजिंग अट्रैक्टिव आई कैची कोइज.
एंड ऑल्सो अनदर थिंग टू हाईलाइट, अब देखिए पीछे की तरफ वो टाइल्स हैं एंड यहाँ पर इन्होंने ये ग्लास लगाया हुआ है, तो कितना अलग ही फील आ रहा है इस टैंक का। तो ये आप बोल सकते हो दिस फिश पॉन्ड कम फिश टैंक। दैट्स राइट। या काफ़ी लोगों के जो यू नो रो हाउसेस वगैरह होते हैं उसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉन्ड ऑलरेडी नहीं था, इट वॉज अ प्लेन ग्राउंड। ओके। एंड इनका पूरा ध्यान रखने के हिसाब से वी हैव गॉट एन एक्सटर्नल फिल्टर, अभी हमने बंद रखा है बिकॉज हमको शूट करने में थोड़ा सा पानी का ये हो रहा था। वी हैव गॉट अ थर्मोस्टेट, वो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ऑन है, एक पावर हेड है अंदर जो कि पूरा फिल्ट्रेशन कर रहा है। एंड ये लावा रॉक्स भी आपने रखे हैं तो पानी फ्लो होते होते आ रहा है उसमें आता है। सो बिकॉज यू नो ये जो वाटरफॉल का नॉइज है, दिस इज दिस डायरेक्टली कनेक्ट्स टू बीइंग पॉजिटिविटी। राइट। ऑल्सो इसमें हमने थोड़ा सा एक फॉग ये यूज़ किया है, आपने शायद देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, बट ये जब पूरा फॉग का एक कॉन्सेप्ट आता है तो दिखने के हिसाब से। राइट। ऑल इन ऑल देन वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई ब्लेसिंग्स, ये हमारे शूट में था नहीं बट एकदम यहाँ आए तो मुझे भी ध्यान में आया। सो व्हाई यू शुड चूज ब्लेसिंग्स इज बिकॉज बी फॉर बिलीव, एल फॉर लव, एक्स फॉर एक्सोटिक, एस फॉर स्पेशल, एस फॉर सोलफुल, इम्पैक्टफुल, नेचर एंड जेन्युइन। Right. So this is the abbreviation जो कि हम believe करते हैं by blessings aquarium, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। Alphabet has a deep meaning. Deep meaning. Great. Yes. Yes. Fantastic. So entrance पे काफी green beauty भी add करी है आपने, इसके बारे में कुछ बताएंगे? So यहाँ पे जैसे मैंने आपके साथ share किया, we have trying to give a Zen garden का theme. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, दिस इज़ ऑल अबाउट फीलिंग गुड। एंड जो भी प्लांट्स हमने यूज़ किए सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा केयर, ज़्यादा सनलाइट किए नहीं है। एंड डेफिनेटली इससे एंट्रेंस जो है वो इंटरेस्टिंग तो बन ही रहा है, बट आई थिंक बिकॉज बोथ ऑफ अस रिचर्ड एंड आई बिलीव इन यू नो ग्रीनरी प्लांटेशन, सो ये सारा चीज़ के ऊपर हमने ध्यान रखा है कि आपके पास थोड़ी सी बहुत जगह है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ कीपिंग ट्रेडिशनल जो मैं बोलूँ आपको मतलब टिपिकल पॉट्स फॉर प्लांट्स, तो हमने एंट्रेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से इस टाइप का ये किया है, सो दैट आपका जो एनर्जी है पॉजिटिव वो सारा इधर चैनलाइज हो। ऑलराइट अदिति मैम, सो फाइनली आई गॉट टू कवर ब्लेसिंग्स एक्वेरियम, मस्ट से पुणे का वन ऑफ इट्स काइंड स्टोर बिकॉज ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर आपने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट एंड मस्ट से क्रिएटिविटी के साथ में हर एक टैंक को बनाया है, सोच समझ कर ही नहीं बल्कि दिल से बनाया हुआ है, एंड इसलिए पुणे में आज आपका स्टोर जो है वो वाकई में सबसे अलग खड़ा उतरा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ऐसे और इनोवेटिव क्रिएटिव सेटअप्स करते जाए और हमको दिखाते जाए। एंड मुझे बहुत मज़ा आया आज आपका स्टोर कवर करके, एंड मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी उतना ही मज़ा आया होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर वीडियो एज वेल, बिकॉज आज थोड़ा सा घाई घाई में हमने किया, बट सून हम बहुत आराम से हर एक सेटअप आपके कवर करेंगे एंड हमारे व्यूवर्स को भी समझाएंगे किस तरह से इसे किए जाते हैं। एंड मैं हमारे पुणे सब्सक्राइबर्स की को भी बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट कीजिए ब्लेसिंग्स एक्वेरियम में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सबसे पहले एजेंस एप्शंस का, इतना बड़ा चैनल है बट ही इज़ वेरी हम्बल, आए उन्होंने इतना अच्छे से शूट किया है एंड कमिंग फ्रॉम हिम इट इज़ अ रियली रियली बहुत हमको अच्छा लग रहा है। और सारा कॉन्सेप्ट दिल से बिल्कुल आपने बोला, क्योंकि हम इसको बहुत लोग बिजनेस के तरीके से करते हैं बट बिकॉज इट्स अ पैशन तो शायद हम कुछ अलग करने की कोशिश कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। यस, अगर आप पुणे में हैं या कहीं भी है प्लीज़ कभी भी विजिट कीजिए, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट एंड सब्सक्राइब टू एस जे इंसेप्शंस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ ऑल ऐसे हॉबीज जो कि अभी नए नए आ रहे हैं जिनको पता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं एस जे इंसेप्शंस के चैनल पर। एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय। So this was today's video that I shot at the Blessings Aquarium located at Viman Nagar in Pune. I hope aapko aaj ka ye video dekhkar maza aaya hoga because is video mein seriously kafi interesting setups humne cover kiya aapko dikhaye. So ye wala sabse zyada mujhe pasand aaya. Let me know aapko kaun sa setup sabse zyada pasand aaya and Pune subscribers ko main batana chahunga ki aap bolte rehte ho ki kab aap Pune ki shop ki video bana rahe ho and bahut kam banate ho, so आई कैन से कि ब्लेसिंग्स एक्वेरियम की अब से अच्छी खासी वीडियोज़ आती जाएंगी। सो अगर आप पुणे से और अगर आपने शॉप में विजिट नहीं किया है सो प्लीज़ विज़िट कीजिए
एंड डेफिनेटली आप काफ़ी एंजॉय करोगे इनके सारे सेटअप्स को देखकर, एंड आपको इनके पास से बहुत सारी अमेजिंग फिशेस मिल ही जाएगी। जो हमने आपको दिखाया वो भी मिलेगी, जो अवेलेबल नहीं है वो भी आपको ऑर्डर बेसिस पे मिल जाएगी। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द थम्स अप बटन। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मिल जाएगा।